ब्रेक बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। इन बर्फीली वादियों में वो मंच सज चुका है जहां दिग्गज बैठकर दुनिया की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करेंगे। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती, ट्रेड वॉर, क्लाइमेट चेंज, ईरान अमेरिका की तकरार के बीच ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। दुनिया के नेता इस पर मंथन करेंगे कि कैसे सामाजिक जिम्मेदारियों को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक सेहत को सुधारा जाए। विश्व आर्थिक मंच की ये 50वीं सालाना बैठक है जो 24 जनवरी तक चलेगी। मेरे ठीक पीछे आप ये कांग्रेस सेंटर देख सकते हैं जहां पर अगले 4 दिन काफी ज्यादा हलचल रहने वाली है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बहुत सारे कारोबारी, यहां तक कि राजनेता और कई ऐसे जाने माने नाम और चेहरे यहां पर इकट्ठा होंगे। भारत, अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी, शायद ही कोई ताकतवर देश हो जो WEF की बैठक से दूर रहे। भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक ले जाने का मोदी सरकार का सपना कितना हकीकत बन पाएगा, इसका भी जवाब इस मंच से मिल सकता है। देश में जारी आर्थिक सुस्ती के बीच ये बैठक भारत के लिहाज से काफी अहम है। WEF की बैठक से ठीक पहले भारत के लिए एक बुरी खबर भी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने साल 2019-20 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर का अनुमान घटाकर 4.8% कर दिया है। विकास दर 2020 में 5.8% और 2021 में 6.5% रह सकती है। First two quarters of fiscal year 2019-20 came in weaker than we had projected, which is why we had this substantial downgrade. I think the one sector where we are seeing the most stress is in the financial sector, the non-bank financial corporations. We've seen a sharp decline in credit growth and a weakness in business sentiment. And that has led to the revised numbers that we have for India now. भारत सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बैठक में शिरकत करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा WEF की बैठक में शामिल होंगे। भारतीय कंपनियों के 100 CEO भी दावोस में होंगे। WEF की अहम बैठक से पहले दावोस में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को सम्मानित किया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से इन्हें क्रिस्टल अवार्ड दिया गया। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर दीपिका ने जो जागरूकता अभियान चलाया है उसी के लिए उन्हें यह सम्मान मिला है। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल WEF के मंच का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी दावोस पहुंच चुके हैं। इमरान ऐसे ताकतवर अंतर्राष्ट्रीय मंच का इस्तेमाल कश्मीर पर जहर उगलने के लिए कर सकते हैं। आज तक की टीम भी दावोस में है। हमने जब भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी कंपनियों के दिग्गज से बात की तो सुनिए वो क्या कह रहे हैं। I am and many of our clients, many of the senior executives I talk to, they're also optimistic, especially in the long run. Optimistic about India because we still have 5-6% growth, right? We have a lot of people coming out of poverty into consuming class. WEF की 50वीं बैठक को खास बनाने के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। इस बार की बैठक में दिग्गज सतत और मिलकर चलने वाली दुनिया के मुद्दे पर विचार करेंगे।